Welcome to SG Inceptions. I am at India's biggest pet shop. This is Drogo Pets, located at Powai in Mumbai. पिछले वीडियो में हमने आपको इनकी कैटरी दिखाई थी, कैट सेक्शन दिखाया था, पर आज इस वीडियो में हम लोग आपको दिखाने वाले इनके पपीज और Drogo Pets का डॉग सेक्शन, जो ठीक आपके सामने है यहाँ पर. सो इतना वेल मेंटेन्ड, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज डॉग सेक्शन मैंने पहली बार देखा है. एंड ये देखिए इनके एनक्लोजर्स कितने खूबसूरती से इन्होंने बनाए हैं, एक एक चीज़ की ध्यान रखते हुए इन्होंने तैयार किए हैं. तो वो सब चीज़ें, वो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और कौन से पपीज़ अवेलेबल है उसके बारे में जानेंगे. सो बने रहिए वीडियो के अंत तक. मैं बहुत उत्सुक हूँ ये वीडियो शूट करने में, बिकॉज लगभग एक दो साल के बाद मैं डॉग्स को कवर कर रहा हूँ. सो बने रहिए वीडियो के अंत तक. सो हमारे साथ है इस वक्त मिस्टर शायान अशरफ. हाय शायान सर, कैसे हैं आप? आई एम वंडरफुल, गुड टू सी यू अगेन. थैंक्स अ लॉट. तो आज फाइनली काफ़ी टाइम के बाद, इनफैक्ट सालों के बाद, मैं डॉग्स को कवर कर रहा हूँ, पपीज को कवर कर रहा हूँ. एंड इनफैक्ट आई हैव केप्ट अ डॉग बिफोर, एंड काफ़ी एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफ़ी पर्सनल कनेक्शन है डॉग्स के साथ में. सो मूविंग बैक टू द टॉपिक, वेरी एक्साइटेड एंड वेरी ग्लैड टू शूट दिस वीडियो. एंड काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर कि आपने ये जो एनक्लोजर्स बनाए हैं काफ़ी बारीकी से बनाए, हर एक चीज़ों पर ध्यान रखते हुए बनाए. हर एक फैसिलिटीज़ के बारे में जानने के लिए मैं और हमारे व्यूवर्स काफ़ी उत्सुक हैं. तो इस डॉग सेक्शन के बारे में बताइए, और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड करी है इन पपीज़ के लिए, उसके बारे में प्लीज़ क्या आप बता सकते हैं हमको? जी, सबसे पहले तो सबको हाय, एंड आई वुड लाइक टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डॉग्स इन जनरल. पपीज़ जो हैं, आई थिंक सबसे इनोसेंट, सबसे फेथफुल, सबसे क्यूट पेट है जो कि वर्ल्ड ओवर माना जाता है. एंड दे कैन बी योर गार्डियंस, दे कैन बी योर, बेसिकली दे आर रियली गुड फैमिली मेम्बर्स. एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको प्रॉपर वे में हम लोग रखें. तो एज अ पेट स्टोर ऑल्सो, यू नो, वी ओनली सोर्स आर पपीज़ फ्रॉम एनिमल वेलफेयर बोर्ड रजिस्टर्ड ब्रीडर्स विथ SPCA प्रोटोकॉल्स इन प्लेस, विथ ऑल द KCI पेपर्स, माइक्रोचिप, ऑल द डिटेल्स, सारी चीज़ों के साथ ही होता है. एंड फिर भी इवन इफ इट्स रेप्यूटेड ब्रीडर्स जिनके थ्रू आता है, हम लोग फिर भी उनको क्वारंटीन करते हैं, डीवर्म करते हैं, वैक्सीनेट करते हैं, और पूरे प्रोसेस के बाद ही पपीज़ कस्टमर्स को हैंड आउट करते हैं, ताकि उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, यू नो, एंड द पपीज़ आर वेल सेटल्ड एंड उनकी इम्यूनिटी बनी हुई हो. सो ये हमारे क्वारंटीन स्टेशन हैं जो हम लोग बनाते हैं. एज़ यू कैन सी, इसमें वेंटिलेशन के लिए काफ़ी है ऑप्शन, ऊपर है, पीछे है, साइड में है. यहाँ पर हमारा लॉकिंग सिस्टम है कि गलती से कुछ खुल ना जाए, कोई पपी ऊपर से नीचे नहीं गिरे. नीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर फ्लोरिंग मैटिंग दी गई है, तो इसमें कोई भी लिक्विड नहीं रहता है. इफ़ दे पूप और पी, इट स्लाइड्स डाउन. यहाँ स्टेनलेस स्टील ट्रेज दिए गए हैं नीचे, सो इससे आपका पूरा एक ही बार में क्लीन हो जाता है. सब सेक्शन में लाइट्स हैं, ऊपर आप देख सकते हैं देर आर एडिशनल फैंस गिवन. साइड्स में भी आप देखेंगे तो उधर भी फैंस दिए हुए हैं, दोनों साइड में फ़ैन दिए हुए हैं सबको. अंदर हम लोग जो होता है, अभी थोड़े बेड्स वॉशिंग के लिए गए हुए हैं, बट वी गिव देम बेड, वी गिव देम ऑल द फैसिलिटीज़ इंटरनली. बीच में जो है ग्लास, दैट डज नॉट हैव होल्स एंड ऑल इन इट, वो इसीलिए है क्योंकि इन केस इसको कोई इन्फेक्शन है तो इट डज़ नॉट ट्रांसमिट टू दी अदर. तो इसके जो बोल्स रहेंगे, फीडर बोल्स, एवरीथिंग सेपरेट रहेंगे, तो द बोल्स आर ऑल्सो मार्क प्रॉपरली. अभी वो वॉशिंग एरिया में, बट दे आर मार्क प्रॉपरली कि ये वाले बोल इधर नहीं यूज़ होंगे, ये वाले इधर नहीं यूज़ होंगे, प्रॉपरली यूज़ होते हैं. एंड जो भी इंचार्ज होता है ये एरिया का, दे सैनिटाइज देयर हैंड्स एवरी टाइम, दे वॉश देयर हैंड्स. एक पपी को छू के डायरेक्टली दे डोंट टच द अदर पपी, तो थोड़े प्रोटोकॉल्स भी फॉलो टू इंश्योर कि यू नो कोई इश्यूज़ नहीं हो. पारवो, डिस्टेंपर, गैस्ट्रो, कुछ भी होता है तो वी ऑब्जर्व द स्टूल ऑल्सो पपी के आने के बाद. वी टेक रियली गुड केयर टू मेक श्योर कि एवरीथिंग इज 100% परफेक्ट एंड पपी स्ट्रेस में नहीं जाए. तो उनको हम लोग प्रॉपर वे में गाइड करते हैं. नीचे आप देखेंगे तो वी प्रोवाइडेड एडिशनल रबर मैटिंग. तो ये क्या है कि पपीज़ को हम लोग जब खुला छोड़ते हैं टू रोम अराउंड, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, उनको ग्रिप मिले, उनके जॉइंट्स अफेक्ट नहीं हो, तो वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि सिर्फ टाइल होता है तो पपीज़ विल स्लिप, उनके जॉइंट्स, हिप डिस्प्लेसिया, ये सारे इश्यूज़ होने लगे. तो दिस इज़ अ वॉशेबल रबर मैट, ये है. यहाँ पे नीचे इसके ड्रेन भी है बना हुआ. दिस इज़ अनदर स्मॉल ग्रूमिंग स्टेशन फॉर द पपीज़. तो यहाँ पे भी वेट एरिया एंड ड्राई एरिया भी है, प्लस वी हैव अदर ग्रूमिंग टेबल्स एंड एवरीथिंग प्रेजेंट ओवर हियर. सो इनके चारों एनक्लोजर्स अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस फ्रेम में. एंड
सारे पपीज कितने कंफर्टेबली रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आप क्लियरली देख सकते हो, बिकॉज बारीकी से हर एक चीज़ों पर ध्यान दिया गया है हर एक एनक्लोजर के ऊपर। मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, देखिए प्रॉपर तरीके से फ़ैन है और फैंस की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर नीचे भी एक आपको यहाँ पर दिखेगा, उसके बाद में इस एनक्लोजर के उस तरफ भी आपको एक फ़ैन दिखेगा। तो ईच एंड एवरी एनक्लोजर में इन्होंने फ़ैन प्रोवाइड किए, और ऊपर के तरफ आप देख सकते हो फायर सेफ्टी भी लगाई है। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं हमको? जी, तो वो पूरे फैसिलिटी में ये थीम है कि हर तरह से जो बेस्ट वे में हम लोग कर सकते हैं। फायर सेफ्टी है, ऑसिलेटरी फैंस लगे हुए हैं कॉमन एरिया में, नीचे रबर मैट है, एंड ये पूरे एरिया का स्लोप है, वहाँ पे ड्रेन है, तो वॉशिंग इज़ वेरी इजी। सब कुछ एकदम पावर जेट से हम लोग एवरी डे क्लीनिंग होता है, 2 times, 3 times। इसका नीचे का पूरा ट्रे निकल के भी क्लीनिंग होता है। दिस ईच इंडिविजुअल मैट इज़ ऑल्सो रिमूव्ड एंड क्लीन। तो ये ऐसा बनाया है कि मेंटेनेंस फ्री हो, इजी हो, और हमारी टीम इतनी अच्छी है, इतनी कंपैशनेट है कि वो मतलब फ्री टाइम में भी देखती रहती कि कोई डॉग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नॉर्मली अंदर हम लोग और भी बहुत टॉयज़ डाल के रखते हैं, बेड्स डाल के रखते हैं, बट अभी जस्ट ये एरिया थोड़ा क्लियर किया गया है, क्लीन किया गया है, एंड वीडियो के लिए तो आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं फिलहाल। सो अब हम आपको एक बहुत ही क्यूट और एडोरेबल डॉग दिखा रहे हैं, एंड जैसे शयान सर बात कर रहे थे मेरी ध्यान इससे नहीं हट रही थी, बिकॉज़ ये इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहा था, यहाँ वहाँ देख रहा था, एंड कितना क्यूट है, ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी प्लेफुल दिख रहा है। सो एंड लुक एट दैट, इसके हेयर भी कितने अच्छे तरह से कॉम्ब किए गए हैं, लुक एट दैट पार्टीशन, एंड कितना प्लेफुल दिख रहा है ये। देखिए जैसे ही मैं इसके पास आ रहा हूँ तो बहुत उतावला हो रहा है, सो आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस जब भी मैं ऐसे डॉग्स देखता हूँ। तो सर अभी हम आपके यहाँ के डॉग्स एंड पपीज दिखा रहे हैं, तो सबसे पहला ये ब्रीड आपके पास है, क्या बताना चाहेंगे? जी ये हमारा पर्सनल एक्चुअली डॉग है, शिट्ज़ू है ये। ओके तो जैसे ये रेडी हो रहा है चैम्पियनशिप्स के लिए, शोज जो होते हैं सारे, तो उसमें ये अभी अपकमिंग चैम्पियन बन सकता है, फिंगर्स क्रॉस। तो हम लोग ऐसे प्रिपेयर करते रहते हैं अलग अलग डॉग्स को। ये बहुत ही स्वीट है, इसका नाम माफिया है। ओह इंटरेस्टिंग। नाउ आई शो यू द अदर पपीज। श्योर। आई लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर आकाश। ये एक काफ़ी रिनाउंड ब्रीडर भी हैं, एंड काफ़ी अच्छे से ये सारे डॉग्स ग्रूम करते हैं, चैम्पियनशिप्स में पार्ट लेते हैं। सो ही इज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड एनिमल वेलफेयर बोर्ड ब्रीडर फॉर हस्कीज़ ऑल्सो, फॉर फ्रेंच बुली। इनके पास काफ़ी चैम्पियंस हैं, सुल्तान जो फेमस फ्रेंच बुली है वो इनका ही है, शिज़ूज़, काफ़ी इनके पास काफ़ी पर्सनल डॉग्स हैं जो कॉम्पीट करते रहते हैं, एंड नाउ ही इज़ पार्ट ऑफ टीम ड्रोगो ऑल्सो। तो यहाँ पे ही लुक्स आफ्टर ऑल द डॉग्स वेरी वेल, बहुत अच्छे से सबका ध्यान देते हैं। तो ही इज़ गोना हेल्प अस शो ईच पपी आउट प्रॉपर वे हैंडलिंग के साथ। सो वील स्टार्ट विद द शिज़ूज। तो आप देख सकते हैं जस्ट द फर क्वालिटी, अभी इवन व्हेन इट्स नॉट प्रॉपरली ग्रूम्ड, आप देख सकते हैं हाउ ब्राइट इट इज। यस, यू कैन टच एंड फील हाउ सॉफ्ट इट इज। सो प्रॉपरली सब मेंटेन रखते हैं, एंड दीज आर ऑल 2 month old पपीज, हैवी बोन पपीज। तो आपके पास आपके यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट शिज़ूज मिल जाएंगे। राइट, वाकई में लुक एट द फर क्वालिटी, एंड फर का जो क्लीनलीनेस भी है वो साफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब काफ़ी वेल मेंटेन तरीके से रखा गया है। सो अभी हम दूसरा शिज़ू दिखा रहे हैं, राइट सर? यस। सो अब देखेंगे एज अ पपी ऑल्सो फुल हैवी बोन, यू कैन सी दिस शेप। Yes. इसके बाल आप देख सकते हैं प्रॉपर एफ्रो हुआ हुआ है। Yes. हम लोग ने ज़्यादा मेंटेन नहीं किया है, बट यू सी द क्वालिटी, सी द क्वालिटी, जस्ट फील दिस, इतना सॉफ्ट, इतना क्यूट, प्रॉपर इनको गॉगल्स आती हैं, ब्यूटिफुल क्यूट आईज। नाउ विल शो यू द थर्ड शिज़ू। लुक एट दैट, ही इज ऑलरेडी रेडी। ये देखिए किस तरह से टेल वैग कर रहा है।
He's so playing Shevchenko. Oh. Wow, look at the fur quality, overall appearance, and the way it's wagging its tail, and the way it's wagging its tail. So you can see beautiful tricolors. White ke shade bhi acche hai. Ji. The brown is more of a gold, and you can see the blacks on the ears, chrono side, and on the tail, it's got a slight black over. Yes. Bahut beautiful, bahut acha quality ka heavy bone puppy hai ye. Ji. Very playful, as you can see. Right. एंड अगर आप कोई भी कलर देखिए, आपको कहीं पर भी स्पॉट नहीं दिखेगा, कुछ भी दाग धब्बा नहीं दिखेगा. कितने ब्यूटिफुली इनको रखा गया है, एंड दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. ईच एंड एवरी पप इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. नाउ वी विल शो यू अ बीगल. श्योर. सो अब हम दिखा रहे हैं आपको ये बीगल. देखिए कितने अच्छे तरीके से रिलैक्स कर रहा है, एंड इट इज सो डैम क्यूट. ये देखिए कितना नन्ना सा है, एंड अगेन अपीयरेंस देखिए फर की, इट्स शाइनिंग. लुक एट दैट. ये देखिए शाइन कर रहा है कितना. लुक एट दोस प्रिटी लिटिल आईज. वाओ, क्या बताना चाहिए. ये भी आप देख सकते हैं, एकदम शो क्वालिटी पपी है. ओ, इट्स गॉट ब्यूटिफुल मार्किंग्स ओवर हियर. ये प्रॉपर मार्किंग है. ईयर्स की लेंथ प्रॉपर है. इसके आईज के साइड में जो आपको ये काजल जैसा दिख रहा है, परफेक्ट मार्किंग्स हैं. You can see the entire velvet jacket, right. Shape of the jacket, the length of the tail, the white tip on the tail. Like इसको full marks मिलेंगे beagle category में. ये जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाएगा, इसकी body बढ़ती जाएगी और cute होता जाएगा ये. So you can see the even the skull shape, head shape, perfect. Yes. Seriously. बहुत cute है ये. सो इस एंगल से आप देखिए यहाँ पर इसकी जो मार्किंग है कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, एंड पूरी ओवरऑल फर क्वालिटी, इट इज़ सो डैम ब्यूटिफुल. इसके बाद फिर हम क्या देखेंगे सर? ये जो है अभी तक जो वराइटीज़ दिखाई है, मेनली थोड़ी छोटी अपार्टमेंट फ्रेंडली क्यूट वराइटीज़ हैं जी. अभी हम लोग थोड़े से यू कैन से सिक्योरिटी पर्पस वाले डॉग, जो कि अच्छे फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन यू नो दे कैन रियली टेक केयर ऑफ योर एंटायर हाउस. सेफ्टी पॉइंट से, गार्ड डॉग्स के पॉइंट से बहुत बहुत अमेजिंग है. जिनको थोड़े यू नो प्रॉपर गार्ड डॉग्स चाहिए, या फार्म हाउस के लिए चाहिए, या यू नो दे जस्ट वॉन्ट स्ट्रॉन्गर ब्रीड ऑफ डॉग्स, ऐसा नहीं है कि वो लविंग नहीं होते. दे आर इक्वली लविंग. वो भी फैमिली डॉग्स होते हैं, बच्चों के साथ भी अच्छे होते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ अदर थिंग्स लाइक प्रोटेक्टिंग योर एंटायर फैमिली फ्रॉम इंट्रूडर्स. And you know a lot of other work dogs में भी होता है. अभी हमारे पास import line के American bullies भी हैं. Basically इनके parents imports हैं, तो आप देखेंगे इनकी beautiful eyes, beautiful coat and general bone structure heavy bone में है. Mr. Akash, क्या आप एक bully यहाँ रखेंगे please? इसका ज़रा सामने से shot लीजिए. Sure. So look at that. ये bully का आप overall front appearance देखिए, face इसका देखिए. And look at the proper shape. तो सर कुछ बताना चाहेंगे? बहुत ही मतलब अलग दिखाई दे रहा है ये. जी, तो ये basically champagne color है. ओ. इसकी hazel eyes हैं, और ढाई महीने में इसका आप size देखिए. okay. इसका body देखिए, and it's very muscular. ऐसा नहीं है कि ये soft coat है, ये proper muscles हैं इसको. ओ. So this becomes a very wonderful guard dog also, and loving भी है, family member भी है. जी. तो ऐसे आपको सारे ब्रीड्स मिल जाएंगे. अगर इससे भी बड़े आपको चाहिए फार्म हाउसेस के लिए, डोगो अर्जेंटिनो, काने कॉर्सोस, मैस्टिव्स, इंग्लिश मैस्टिव, फ्रेंच, नेपोलियंस, सब आपको मिल जाएंगे. ग्रेट डेन्स, हस्कीज, मैलमूथ्स, एनी ब्रीड दैट यू कैन थिंक ऑफ, वी कैन गेट इट फॉर यू, एंड वी कैन कीप इट प्रॉपरली फॉर यू, क्वारंटीन इट. कंडीशन बस हमारी ये है कि आप डॉग को अच्छे से रखिए. इसकी आप पॉज देखिए, ये देखिए इसकी पॉज. अभी तो ये पपी है, फिर भी उसकी साइज देखिए. इसकी आईज बहुत ब्यूटीफुल है, अगर ये देखने दें तो. यू कैन सी हिज आईज. यस, सीरियसली.
सो सर, हमने आपके सारे पपीज देख लिए एंड अब एक स्पेशल डॉग ब्रीड हम देखने वाले हैं, जो मैंने पहली बार देखा एंड काफ़ी स्टंड हो गया था मैं उसको देखकर, बिकॉज वो है ही वैसा, तो दिखा दे फिर। श्योर। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हो एक बेहद बड़ा साइज का एक डॉग ब्रीड है, बट आपको कहना चाहूँगा ये अभी बच्चा है ये। सो क्या बताना चाहेंगे सर इसके बारे में? जी, ये एक्चुअली मेरा पर्सनल पपी है। ओके। जी हाँ, पपी है ये, सिर्फ अभी 3 महीने का है जी। इट्स अ ग्रेट डेन बट इन रिवर्स ब्रिंडल फॉर्मेट। इसका आप पीछे भी पैटर्न्स देखेंगे तो यू विल सी दैट इट्स गॉट दैट प्रॉपर टाइगर लाइक मार्किंग्स। यस, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्वीट डॉग है। yes. इसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है। ओह, हाउ स्वीट। टाइगर वन, से हाय। से हाय। एंड लुक एट दैट ह्यूज जॉ। बट लेट मी टेल यू अगेन, ये अभी बच्चा है, इसकी हाइट देखिए, इसकी साइज देखिए। तो सर बताना चाहेंगे क्या एज है इसकी अभी? अभी ये 3 महीना 10 दिन का हुआ है। 3 महीने का ही है। या सो एट फुल साइज इसका हेड यहाँ तक आने वाला है। एंड जब वो दोनों पैर पे खड़ा होगा तो यहाँ तक उसका हेड आएगा। तो ये बेसिकली दे मेक वंडरफुल फैमिली मेंबर्स इन जनरल। बहुत जेंटल जायंट्स कहा जाता है इनको। तो दे विल प्रोटेक्ट योर फैमिली ऑल्सो, बट दे आर वेरी जेंटल विद किड्स ऑल्सो। यस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत आप जैसे देख सकते हैं, वेरी शांत, वेरी क्यूट, बट वेरी इंटरेस्टिंग प्लेफुल ब्रीड। सो देखिए, ग्रेट डेन मैंने देखा था पहली, मतलब मैंने देखा था ऑलरेडी, बट ऐसा ग्रेट डेन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ विथ सच यूनिक पैटर्न्स। एंड ये देखिए पूरे बॉडी के ऊपर कैसा इसका पैटर्न फैला हुआ है। एंड ये काफ़ी फ्रेंडली है, देखिए मेरे साथ भी खेलने की कोशिश कर रहा है, पास में आ रहा है, लुक एट दैट। एंड मतलब कभी कभार बहुत ऐसा शॉकिंग लगता है कि इतने बड़े ब्रीड्स होने के बावजूद भी ये इतने प्लेफुल है, इतने फ्रेंडली है सभी के साथ में। तो जैसे कि जो डॉग्स की जो होती है, मतलब लॉयल्टी एंड फ्रेंडली, वो नेचर मतलब सबका ही होता है। यस, वाओ, लुक एट दैट, मतलब बहुत ही यूनिक दिख रहा है, बहुत ही अलग दिख रहा है। एंड आई एम वेरी श्योर कि जैसे जैसे ये बड़ा होते जाएगा, ये इसकी जो फर ग्रोथ है, जो पैटर्न है इसकी, वो ऑन द नेक्स्ट लेवल जाएगी। ये ब्यूटीफुल एकदम टाइगर जैसा पैटर्न है, इसलिए इसका नाम टाइगोन दिया है। ओ, टाइगोन बेसिकली इज अ हाइब्रिड, जब मेल टाइगर होता है और फीमेल लायन होती है। जैसे लाइगर इज व्हेन यू नो मेल इज लायन एंड फीमेल इज टाइगर, एंड उनके बच्चे हों तो इट्स कॉल्ड लाइगर। सेम इज टाइगोन, तो इसका नाम टाइगोन दिया है, बिकॉज इट हैज टाइगर लाइक स्ट्राइप्स, टाइगर लाइक मार्किंग। बहुत स्वीट है, इज is a wonderful 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 puppy that we have rescued. Yes. And adopted. Wow. So aaj ke is video ka show stopper hai Tigon, and isko pehli baar dekha tha tab bhi main isko dekhte reh gaya tha, because ye apne hi way mein bahut unique hai and ye jis tarah se chalta hai firta hai, matlab aisa lagta hai ki dekhte rahu isko. Alright sir, I had a great time today and इन सारे पपीज़ को, डॉग्स को देखकर आज का मेरा वाकई में दिन बन गया, एंड काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो गई पुरानी। सो आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट, फॉर शेयरिंग सम इन्फॉर्मेशन एंड ये सारे क्यूट पपीज़ दिखाकर। अगेन काफ़ी अच्छी तरीके से रखा है, स्पेस, हाइजीन, मेंटेनेंस सभी पर काफ़ी अच्छी तरह से ध्यान दिए आपने। सो शायन सर, बिफोर एंडिंग द वीडियो, आपने मुझे कहा था कि ड्रोगोपैथ से एडॉप्शंस भी होते हैं, एंड इसके बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे? जी जी ज़रूर। सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने यहीं के लिए बताया, विच इज़ दैट कि देखिए प्योर ब्रीड्स में हम लोग डील करते हैं, चैम्पियन लाइन, इम्पोर्ट लाइन डॉग्स जिनको प्योर चाहिए, एक्जॉटिक में जो भी डॉग्स चाहिए, यू नो एलबाइज, कैनिकॉर्स, ये सब मैं बोल चुका, कोई भी ब्रीड, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, जर्मन श्नाउज़र, सारे मिल जाएंगे आपको। बट अदर देन दैट ऑल्सो, इफ योर just looking for a family member, agar aap you want the unconditional love of a dog or a cat for that matter, to aap hame reach out kar sakte hain, even because we help in adoptions. Kaafi strays hain jinko ghar ki zarurat hai, bahut loving, bahut cute, bahut adorable. To agar aapko sirf chahiye ki koi family member ho, and you are not particular about kaun sa breed ho, to please we request you to start adopting dogs. There's nothing better than adopting a dog. एंड काफ़ी स्ट्रेज हैं जो मैंने भी फार्म पे अडॉप्ट किए हुए हैं, एंड जो जिसके लेवल तक आदमी कर सकता है, उनको खाना देना, उनका ख्याल रखना, वैक्सीनेट करना, थोड़ा मेडिकली हेल्प करना,
So please, please do that. Come forward and adopt strays. We really would appreciate that. It's the least that you can do. And मैं बाकी pet shop owners को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी सारे animals बेच रहे हो and you know dogs, cats जो भी है, you do that pure breeds में, but also give customers an option. Customer अंदर आता है तो उनको दोनों option दीजिए कि आप ये करना चाहते हैं या would you like to adopt a stray. तो जो आपके local shelters हैं, NGOs हैं, उनसे contact में रहिए, photos, उनकी story lines वो सब थोड़ा display कीजिए, या brochure या book बनाइए, या iPad या phone पे दिखा दीजिए कि ये puppies हैं जिनको घर की ज़रूरत है. तो वो क्या है, एक अच्छी नोबल टास्क भी हो जाएगी और वो बेचारे को अच्छा घर मिल जाएगा. एंड दैट्स आई थिंक द नाइसेस्ट थिंग दैट वी कैन डू. सो आई रिक्वेस्ट ऑल पेट शॉप ओनर्स प्लीज थोड़ा ये इनिशिएटिव भी लीजिए. इट्स अ फैंटास्टिक अप्रोच टू थिंग्स एंड बहुत डॉग्स बहुत कैट्स को घर की ज़रूरत है. सो प्लीज़ आई होप इट वर्क्स आउट एंड वी गेट अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर अडॉप्शंस. यस मस्त से आपने वीडियो के एंड में काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है एंड एक बेहद नोबल कॉज है ये. सो मैं आशा करता हूँ कि जो भी कोई रहेगा जिनको अडॉप्ट करना होगा वो ज़रूर अप्रोच करेंगे. वो काफ़ी अच्छा आज का दिन मेरा बन गया. कुछ आखिरी शब्द कहना चाहेंगे आप? थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स एंड थैंक यू एस जे फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. रियली अप्रिशिएट इट. एंड अच्छा लगता है कि यू नो अ डॉग लवर कम्स एंड स्पेंड्स टाइम विद द डॉग्स. अभी देखिए सामने आपके साथ खेल रहे हैं. They are just playful, yes. Innocent, loving creatures, yes. That will take a bullet for you also in your family. Yes, true. They that. Are part of your family. Very true, right. Thank you for your time. Thank you. So, आज हमने Drogo Pets के dog enclosures देख लिए और इनके सारे beautiful puppies देख लिए और most importantly किस तरह से beautifully इन्होंने रखा है. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का video पसंद आया होगा. ये जितने भी puppies, जितने भी ब्रीड्स हमने आपको दिखाए, इन सब के अलावा भी काफ़ी सारे ब्रीड्स अवेलेबल करा के आपको मिल सकते हैं. अगर आपको कोई भी इंक्वायरीज करनी है, अगर आपको कोई भी पपी अडॉप्ट करना है उसके बारे में भी आप इनसे इंक्वायर कर सकते हो. आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर ऑन स्क्रीन एज वेल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे. सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम इन अनदर इन्फॉर्मेटिव एंड entertaining video.